Assalamu alaikum. Hi everyone, it's me Safiya Intizar. Welcome to my channel Cooking with Safiya Intizar. तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग ठीक ठाक होंगे। बड़ी ईद की बड़ी खुशियों के साथ मैं हूँ सफिया इंतजार। आज हम बनाने जा रहे हैं सेवैया कस्टर्ड। तो उसके लिए जो हमें इंग्रेडिएंट चाहिए, सबसे पहले हमें चाहिए दूध 1.5 किलो, हाफ कप दूध अलग से चाहिए। इसमें हम कस्टर्ड को मिक्सअप करके रखेंगे। 1 कप हमें यहाँ पे चीनी चाहिए। 1 प्याले यहाँ पर हमें सेवैयां चाहिए। यहाँ पे नारियल लिया है, कुछ मैंने क्रश कर लिया है और कुछ मैंने काट लिया है, ये इसके अंदर डालूंगी मैं। साथ में गार्निशिंग के लिए मैंने यहाँ पे नारियल लिया है। 1.5 टेबलस्पून मैंने कस्टर्ड लिया है स्ट्रॉबेरी फ्लेवर में। बादाम लिए हैं जो इसके अंदर डालूंगी। 3 अदद मैं यहाँ पे इलायची लिए खोल के, इसका पाउडर नहीं डालना बल्कि साबुत ही दाने डालने हैं। और गार्निशिंग के लिए हम यहाँ पे बादाम लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम शामिल करेंगे इसमें दूध। और इसको हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। आप ये देख रहे हैं मैंने फुल क्रीम वाला दूध लिया है, आपने भी बिल्कुल ऐसे ही दूध लेना है। और इसे हम अच्छे से बॉईल कर लेंगे। और इसके साथ मैं इसमें ऐड कर दूंगी इलायची। और इलायची डाल के मैं इसे पकने के लिए छोड़ दूंगी। पहले इलायची इसलिए डाल रही हूँ ताकि जब दूध बॉईल हो तो उसमें बहुत ही अच्छी खुशबू आ जाए इलायची की। और इसे हम हलाते जाएंगे साथ साथ जब तक ये अच्छे से बॉईल नहीं हो जाता। जब तक ये बॉईल होता है तब तक हम कस्टर्ड पेस्ट रेडी कर लेते हैं। अब इसमें शामिल करेंगे दूध। कस्टर्ड के लिए हमेशा दूध आपने ठंडा ही लेना है, गर्म नहीं लेना, जिसमें हम मिक्स कर रहे हैं कस्टर्ड। स्ट्रॉबेरी फ्लेवर है, आप देख लें कि आपको कौन सा फ्लेवर पसंद है। जो फ्लेवर आपको अच्छा लगे आप वो भी ऐड कर सकते हैं। और अब इसे बीटर की मदद से अच्छे से बेट लूँगी ताकि इसके अंदर कोई भी गुट्टी ना रहे। मैं स्ट्रॉबेरी फ्लेवर इसलिए ले रही हूँ क्योंकि सेवैयों में स्ट्रॉबेरी फ्लेवर अच्छा लगता है एज कम्पेयर टू बाकी फ्लेवर्स के। तो आपकी अपनी मर्जी, आप अपनी टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। तो माशाल्लाह से ये रेडी हो चुका है। लेकिन यहाँ पे बता दूँ, जब हम दूध में डालेंगे तो तब इसे दोबारा एक दफ़ा अच्छे से फेंट लेंगे ताकि इसके नीचे अगर कोई बैठा होगा तो वो भी हल हो जाएगा। दूध बॉयल होना शुरू हो गया, अब इसमें शामिल करेंगे हम सेवैयां। और मीडियम फ्लेम पर हम इसे पकाते जाएंगे। सेवैयां ऐड कर दी हैं और तब तक इसे पकाएंगे जब तक कि ये गाढ़ी नहीं हो जाती। क्योंकि मैंने फुल क्रीम दूध लिया है, देखिए ये कितना थिक लग रहा है, आपको देखने में ही पता चल रहा है। कोशिश करें फुल क्रीम दूध ही आपने लेना है इसमें। देखिए ये बॉयल हो रहे हैं, अब इसमें शामिल कर देंगे हम चीनी। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। इस स्टेज पे मैंने चीनी इसमें ऐड कर दी है लेकिन हाफ की है। उसकी रीज़न ये है कि फुल एकदम से नहीं कर देते, समटाइम दूध के फटने का डर भी होता है, दूध ख़राब हो जाता है कि आप एक साथ अगर सारी शुगर ऐड कर देंगे तो उससे दूध ख़राब भी हो सकता है। तो यहाँ पे टिप जहन में रख लें, हाफ डालें, थोड़ी हल करें, जब वो पकना शुरू हो जाए तो फिर बाकी डाल दें।
यहाँ पे बता दूँ, आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग भी ले सकते हैं। आप देखिए माशाल्लाह से ये कितना थिक नजर आ रहा है। हमें बिल्कुल ऐसा ही कस्टर्ड सेवइयों के लिए दूध चाहिए। अगर आप पतला दूध लेंगे, बाजार का दूध लेंगे, तो वो उतना अच्छा टेस्ट नहीं देगा जितना कि घर का और फुल क्रीम जो दूध होता है वो। अब हम इसे पकाते जाएंगे और बाकी की चीनी ऐड कर देंगे। सेवइयां पक रही हैं, इसी के दौरान हम इसमें ऐड कर देंगे बादाम। आपकी अपनी मर्जी है, आप क्रश करके डालें, काट के डालें या साबुत डाल दें। और नारियल, ये आप देख रहे हैं कि मैंने कुछ नारियल काट के डाला हुआ है और कुछ मैंने क्रश डाला है, इसलिए कि जब ये खाएंगे और जब मुंह में इसके पीसीज आएंगे तो बहुत ही अच्छा टेस्ट बनेगा। तो इसलिए मैंने कुछ काट के डाल रही हूँ और कुछ मैंने क्रश कर दिया है। पहले डालने का मकसद ताकि अब दूध के अंदर जो हमारा नारियल है वो भी और बादाम भी अच्छे से पक जाए। इन चीज़ों का बहुत ख्याल रखा करें, बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है अगर आप इन चीज़ों का ख्याल रखेंगे तो। आप ये देख लें, इतना सा गाढ़ा होना चाहिए आपका दूध जब आप कस्टर्ड ऐड करें। बहुत ज़्यादा गाढ़ा आपने नहीं करना। अब मैंने बीटर ले लिया है। थोड़ा सा ये मुश्किल प्रोसीजर है यहाँ पर कि थोड़ी हीट पड़ती है हाथ को, लेकिन अगर ये नहीं करेंगे तो आपकी सेवइयाँ जो हैं वो अच्छी नहीं बनेगी। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लेंगे थोड़ा थोड़ा इसमें ऐड करते जाएंगे दूध जो हमने कस्टर्ड पेस्ट रखा हुआ है, और साथ ही मैं इसे मिक्स करती जा रही हूँ कॉन्टीन्यूसली हिला के, ताकि ये इसके अंदर गुठलियाँ ना बने। थोड़ा सा मुश्किल प्रोसीजर है यहाँ पर, लेकिन आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है। डालने के फौरन बाद आपने इसको अच्छे से मिक्सअप करते रहना है। चलें, डन हो गया। अब थोड़ा सा हम इसे पकाएंगे। उसमें जब मैं पेस्ट डाल रहा है और साथ साथ हिलाती रही हूँ, उससे क्या फ़ायदा होगा कि अंदर जाके ये गुठलियाँ नहीं बनेंगी। माशाल्लाह से देखें, कस्टर्ड सेवइयाँ हमारी रेडी हो चुकी हैं। थोड़ी देर और पकाएंगे और अब हम इसे उतार लेंगे। गाढ़ी हो चुकी हैं, बिल्कुल हमें इसी फॉर्म में चाहिए, ये देखें। और इसे आप फुल ठंडा करके सर्व करें। तो चलिए इसे डिश आउट करते हैं। यहाँ पे मैंने सर्विंग डिश ली थी और उसमें मैंने सेवइयाँ ऐड कर दी थी। यहाँ पे आपको बता दूं कि जब भी आप कस्टर्ड सेवइयाँ बना रही हैं तो उसको गरम गरम को ही सर्व करें। अगर आप उसे पतीली में ही ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे तो वो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा, क्योंकि जैसे कस्टर्ड ठंडा होता जाता है तो वो एक फॉर्म में आता जाता है। अगर आप उसे तोड़ना शुरू कर देंगे ठंडे हुए को तो वो खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने क्या करना है, गरम गरम ही इसे एक बाउल में निकाल लेना है जिसमें आपने सर्व करना है, और उसके बाद आपने इसको गार्निश करना है। गार्निश करके रूम टेम्परेचर पर रख देना है 1 से 2 घंटों के लिए। जब ये नॉर्मल हो जाए फिर आप इसको फ्रिज में रख दें। कभी भी इसके अंदर आपने चम्मच नहीं हिलाना, इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। यहाँ पर थोड़ा गर्म है, लेकिन आपको इसकी थिकनेस दिखा देती हूँ मैं कि अभी बहुत गर्म है। ये देखिए थिक है, लेकिन जब ये ठंडा होगा तो ये प्रॉपर थिक हो जाएगा। इसलिए दिखा रही हूँ कि आपको आइडिया हो जाए। अगर तो आपकी सेवइयाँ और दूध अलग अलग नज़र आ रहे हैं तो समझ लें कि आपकी सेवइयाँ कस्टर्ड अच्छा नहीं बना। तो ये देखिए, तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि इसको ठंडा नहीं, गरम गरम ही आपने गार्निश करना है और बाद में आपने इसे अच्छे से ठंडा कर लेना है। तो चलिए गार्निश करते हैं अब इसको बंद कर।
माशाल्लाह से हमारी सेवैयां कस्टर्ड रेडी हो चुके हैं। उम्मीद करती हूँ कि आज की रेसिपी आपको बहुत पसंद आई होगी। अगर आपको पसंद आई हो तो कमेंट सेक्शन में हमें आके ज़रूर बताएं। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारी लेटेस्ट वीडियो आप तक पहुँच सकें।